फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सेलिंग सो इस तरह से देखिए एक डायग्राम गिवेन है सेलिंग और सेलिंग के दो पॉइंट पर दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं एक फोर्स है एफ वन इक्वल टू टेन न्यूटन और दूसरा फोर्स है एफ टू इक्वल टू ट्वेंटी न्यूटन ठीक है जो टेन न्यूटन का फोर्स है ये सेलिंग के साथ थर्टी डिग्री एंगल पर एक्ट कर रहा है और जो ट्वेंटी न्यूटन का फोर्स है ये सेलिंग के साथ सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक्ट कर रहा है ठीक है सो so, हम लोगों को निकालना है इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट मीन्स इन दोनों फोर्स को एक सिंगल फोर्स से हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं रिजल्टेंट का मीनिंग यही है कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर अगर मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं सो उन मल्टीपल फोर्स को हटा करके रिप्लेस करके एक सिंगल फोर्स हम कैसे लगाएंगे जो हमें सेम इफेक्ट देगा जो वो मल्टीपल फोर्स हमें दे रहा है ठीक है सो यही रिजल्टेंट का मीनिंग है सो देखिए सबसे पहले क्या करना है इसका आपको हॉर्जेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लेना है ठीक है सो देखिए इस तरह से हम लोग लेंगे दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस ठीक है इसको हॉर्जेंटल डायरेक्शन हम लोग लेंगे ठीक है और इसको वर्टिकल ठीक है ना सो so इसका दो कॉम्पोनेंट हम लोग हम लोग ले लेंगे मान लीजिए कोई वैक्टर अगर है लेट से दिस इज ए वैक्टर ए ठीक है थीटा एंगल बना करके ये एक्ट कर रहा है मान लीजिए इस एक्सिस के साथ सो so इसका दो कॉम्पोनेंट होगा एक हॉर्जेंटल कॉम्पोनेंट होगा दैट इज ए कॉस थीटा ठीक है और दूसरा होगा इसका वर्टिकल कम्पोनेंट दैट इज ए साइन थीटा ठीक है सो हम लोग क्या करेंगे इसका रिजल्टेंट सबसे पहले इसको दो कम्पोनेंट में हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे ठीक है so, सो आइए इसको रिजॉल्व करते हैं सो so, जो फर्स्ट फोर्स है F1 इसका देखिए ये वाला एंगल गिवन है थर्टी डिग्री सो इसका हॉर्जेंटल कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा डैट इज F1 वन कॉस थर्टी डिग्री ठीक है और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा F1 वन साइन थर्टी डिग्री ठीक है सिमिलरली इस फोर्स के लिए जो ट्वेंटी न्यूटन का है इसके लिए हॉर्जेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में होगा लेफ्ट की तरफ है ना इसका राइट right की तरफ है सो so इसका हॉर्जेंटल कंपोनेंट का डायरेक्शन देखिए ये वाला होगा लेफ्ट की तरफ ठीक है सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा एफ टू कॉस सिक्सटी डिग्री ठीक है और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा दिस इज एफ टू साइन सिक्सटी डिग्री ठीक है अब देखिए ये जो दो तो फोर्स है दिस वन एंड दिस वन ये सेम डायरेक्शन में है सो तो ये क्या हो जाएगा एडिटिव एड add हो जाएगा ठीक है और इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ठीक है सो so, दोनों का डिफरेंस हम लोगों को लेना पड़ेगा तो डिफरेंस लेने से पहले सबसे पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए सो so, देखिए कुछ इस तरह से वैल्यूज हमारे पास आएंगे जो एफ वन कॉस्ट थर्टी डिग्री है ठीक है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा टेन और कॉस्ट थर्टी डिग्री सो कॉस्ट थर्टी डिग्री का वैल्यू कितना होगा रूट थ्री बाई टू होगा सो दैट इज इट इज़ फाइव रूट थ्री ठीक है सिमिलरली इसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ वन साइन थर्टी साइन थर्टी इज हाफ सो इट इज़ फाइव न्यूटन ठीक है ये एफ वन साइन थर्टी डिग्री सो दैट मीन्स इट इज़ टेन इंटू वन बाई टू ठीक है इस तरह से निकल गया सिमिलरली इसका हम लोग निकालेंगे सो देखिए लेफ्ट साइड में हो जाएगा एफ टू सो ट्वेंटी और कॉस सिक्सटी डिग्री है सो कॉस सिक्सटी डिग्री का वैल्यू कितना होगा वन बाई टू सो इट इज़ एफ टू कॉस सिक्सटी डिग्री ठीक है इक्वल टू ट्वेंटी इंटू कॉस सिक्सटी डिग्री वन बाई टू सो इट इज़ टेन न्यूटन ठीक है यहाँ भी न्यूटन लगा दीजिए ठीक है सिमिलरली इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड जो है इसको निकाल लीजिए सो एफ टू का वैल्यू ट्वेंटी ठीक है एफ टू साइन सिक्सटी है ठीक है सो दिस इज इक्वल टू एफ ट्वेंटी इंटू साइन सिक्सटी सो रूट थ्री बाई टू सो कितना हो गया ये टेन रूट थ्री न्यूटन हो गया ठीक है अब देखिए इसमें ग्रेटर कौन है टेन न्यूटन इज ग्रेटर देन दिस वन ठीक है सो डैट मीन्स ठीक है टेन न्यूटन का वैल्यू क्या है फाइव रूट थ्री से ज़्यादा है है ना रूट थ्री का वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री टू होता है सो so मल्टीप्लाई करेंगे फाइव में सो so ये टेन से लेस होगा ठीक है सो टेन इज ग्रेटर सो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा लेफ्ट में ठीक है और ये वैल्यू कितना हो जाएगा टेंटी ट्वेंट सॉरी टेन माइनस फाइव रूट थ्री टेन माइनस फाइव रूट थ्री न्यूटन ठीक है वर्टिकल डाउनवर्ड कितना हो जाएगा टेन रूट थ्री एक ही डायरेक्शन में है सो इसको ऐड कर देंगे सो इतना न्यूटन हो गया ठीक है अब देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे टेन माइनस फाइव रूट थ्री सो ये आ जाएगा आपके पास वन पॉइंट थ्री फोर न्यूटन ठीक है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा इस दोनों को जब ऐड करेंगे फाइव प्लस टेन रूट थ्री सो ये ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री टू न्यूटन आएगा ठीक है दोनों के बीच का एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री है ठीक है सो वैक्टर का रिजल्टन जब हम लोग निकालते हैं सो रिजल्टन का फॉर्मूला क्या होता है रूट ओवर वैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीठा ठीक है वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी ठीक है सो मान लीजिए वैक्टर ए इस तरह से है ठीक है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये साइज होगा वैक्टर का ठीक है दिस इज द ए एंड लेट्स से इट इज़ बी वैक्टर बी सो so, ये साइज जो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस ये आपका ये जो लेंथ है वेक्टर का ठीक है ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है ठीक है सो बी सो इसके बीच का एंगल ठीटा सो so, इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं ठीक है सो so, फोर्स क्या है फोर्स इज ए वैक्टर क्वान्टिटी वैक्टर है सो so, दो वैक्टर इसमें है हमारे पास एक ये वाला है और एक ये है इसका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का इतना है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री सो कॉस्ट 90 डिग्री कितना हो जाएगा कॉस्ट 90 डिग्री का वैल्यू दिस इज ज़ीरो सो so, जैसे जीरो होगा सो so इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा रूट ओवर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग एफ वन एफ टू लिए हुए हैं इसको कुछ और मान लेते हैं ठीक है इसको एफ थ्री स्क्वायर और इसको एफ फोर कर देते हैं इसको मान लेते हैं एफ फोर है और ये एफ थ्री है ठीक है सो इस तरह से फॉर्मूला हमारा रिड्यूस हो जाएगा सो so, हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेंगे सो so, रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री टू का स्क्वायर प्लस वन पॉइंट थ्री फोर का इसको एड ठीक है थीक? इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद जो ये वैल्यू आएगा ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री सिक्स न्यूटन ये इतना आ जाएगा ठीक है मीन्स इन दोनों फोर्स को रिप्लेस करके हम लोग ये फोर्स अप्लाई कर सकते हैं बट क्या ये फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे जो F1 का है या F2 का है नहीं इसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा सो so डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सो so डायरेक्शन के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे पैरोलोग्राम लॉ यूज़ करेंगे सो so यहाँ पर एक पैरलोग्राम कंप्लीट करना है ठीक है बट एंगल 90 डिग्री है सो ये क्या बन जाएगा एक रेक्ट एंगल बन जाएगा ठीक है मान लेते हैं एंगल ये सेलिंग का डायरेक्शन है यही है सेलिंग का डायरेक्शन तो हम लोग क्या करेंगे एंगल मान लेते हैं कि सेलिंग के साथ ये वाला एंगल जो है दिस इज वाट अल्फा ठीक है सो टेन अल्फा लेंगे सो टेन अल्फा क्या हो जाएगा टेन अल्फ़ा इक्वल टू टेन अल्फा सो परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर पेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस सो ये वाला मैग्नीट्यूड कितना होगा जितना ये है एफ़ फोर सो ये भी एफ़ फोर हो गया सो इट इज़ एफ़ फोर बाई एफ़ फोर बाई एफ थ्री ठीक है इतना हो जाएगा सो so हम लोग थीटा निकाल लेंगे सो so थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स टेन इनवर्स एफ फोर बाई एफ थ्री डैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन इनवर्स एफ फोर का वैल्यू ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री टू डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री फोर जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग सो so ये जो एंगल आएगा टेन इनवर्स दिस वन इट इज़ एटी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स डिग्री ठीक है किस तरफ इधर ठीक है सो डैट मीन्स ये जो दोनों फोर्स गिवन थे इसको हम लोग सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से मान लीजिए दिस इज सेलिंग ये सेलिंग है ठीक है और इसमें एक फोर्स हम लोग लाएंगे क्या जो कि इसके साथ है ना देखिए ये 90 डिग्री का डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ 90 डिग्री 90 डिग्री है सो so एंगल का मेजरमेंट इस डायरेक्शन में करेंगे ना ठीक है so सो ये जो वैल्यू है ये ठीक है ये एंगल दिस वन इट इज 86.56 सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स डिग्री अल्फा इक्वल टू ठीक है ये हो गया और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आर इक्वल टू ट्वेंटी टू न्यूटन ठीक है सो so हम लोगों ने क्या किया ये जो दो फोर्स लग रहे थे इन दोनों फोर्स को हम लोग रिप्लेस कर दिए एक सिंगल फोर्स से और जो सिंगल फोर्स आया है वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ये दोनों मिलके प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है लेकिन अगर यही एंगल चेंज कर देंगे सो सेम इफेक्ट नहीं आएगा सो so इसलिए वैक्टर है सो so रिजल्टेंट में हम लोग को मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों शो करना पड़ेगा ठीक है सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सेलिंग ठीक है ये क्या आ गया हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स ऑन सेलिंग ठीक है सिमिलरली किसी ब्लॉक पर भी दिया हो सकता है इस तरह से मान लीजिए ब्लॉक रहता इस पर दो फोर्स इस तरह से अगर लगता रहता ठीक है so, सो हम लोग इसका एंगल निकाल लेते हैं लेफ्ट साइड इज थीटा वन थीटा टू ये एफ वन रहता है एफ टू रहता ठीक है so, सो इसका उसी तरह से हम लोग हॉर्जेंटल वर्टिकल कंपोनेंट लेकर दो सिंगल फोर्स में दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर लेते ठीक है एक हॉर्जेंटल एक, एक, एक वर्टिकल और उसका रिजल्टेंट निकाल कर हम लोग एंगल निकाल लेते ठीक है